राजस्थान में भी रोहिंग्याओं ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं। पश्चिम बंगाल में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल की डेमोग्राफी को ही बदल दिया है। इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में एक बड़े षड्यंत्र के तहत बसाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया की। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इशू है, वो है रोहिंग्यांस। तो रोहिंग्या के काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ना सिर्फ बांग्लादेश में रह रहे हैं बल्कि बहुत सारे हैं जो कि इंडिया में भी रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब काफ़ी सारे रोहिंग्यांस ग्रुप्स की शेप में बांग्लादेश में एंटर हो रहे थे इंडिया के बॉर्डर से, जिसको ले बांग्लादेश की जानिब से काफ़ी सख्त रद्द अमल सामने आया और उन्होंने जो है सिक्योरिटी जो अपनी है इंक्रीज़ कर दी और जो रोहिंग्या के लोग हैं उनकी किसी किस्म की एंट्री को स्टॉप कर दिया गया। तो यहाँ पे जी एक नई न्यूज़ सामने आई है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की जानिब से एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है और बांग्लादेश की जानिब से बेसिकली एक बयान दिया गया है रोहिंग्यांस को लेके, जिसके बाद जो है इंडिया काफ़ी अपसेट हो गया है क्योंकि वो चाह रहे थे कि जितने भी रोहिंग्यांस इंडिया में हैं वो माइग्रेट करके बांग्लादेश में चले जाएँ और बांग्लादेश में वो सही रहेंगे और बांग्लादेश के पास काफ़ी जगह भी है जो ऑलरेडी उन्होंने रोहिंग्यांस को दी हुई है। तो यहाँ पे इस चीज़ को लेके वो काफ़ी हर्ट भी हुए कि बांग्लादेश ने रोहिंग्यांस को एंटर नहीं होने दिया और जो अपनी सिक्योरिटी है बॉर्डर लाइन की उसको इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से इंडियन मीडिया की रिपोर्ट शेयर करूँगी, आप लोगों ने रिपोर्ट देखनी है, देखना ये क्या कह रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए कह रहे हैं कि एंटर हो रहे हैं इंडिया में और जो रोहिंग्यांस हैं वो इतने सारे एंटर हो गए हैं और अब वो जी इंडिया में फसाद मचा रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं और बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है, इस चीज़ पे भी नज़र डाली जाएगी। वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बांग्लादेश से एक ऐसा बयान आया है जो भारत के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान उनके देश में सामाजिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में शरणार्थी बनकर रह रहे ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान ड्रग्स और महिला तस्करी जैसे अपराधों में शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि म्यांमार के रखाइन इलाके में साल 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुई कार्रवाई के बाद इस समुदाय के लाखों लोग सीमा पार करके बांग्लादेश में घुस आए थे। बताया जाता है कि इनमें से कई रोहिंग्या मुसलमान चुपचाप और गैर कानूनी तरीके से भारत में भी घुस आए। रोहिंग्या मुसलमान भारत सरकार के लिए भी सरदर्द बनते जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि भारत में 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि असल में रोहिंग्याओं की संख्या लाखों में है। ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान इस वक्त जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रहते हैं। राजस्थान में भी रोहिंग्याओं ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं। पश्चिम बंगाल में तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल की डेमोग्राफी को ही बदल दिया है। इन घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में एक बड़े षड्यंत्र के तहत बसाया जा रहा है। उनके जरूरी कागजात तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन सभी लोगों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश भर के कई बड़े शहरों में जो अपराध हो रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले यूपी एटीएस ने म्यांमार और बांग्लादेश से महिलाओं और बच्चों की तस्करी करने वाले रोहिंग्याओं को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दिल्ली में बीते 4 सालों में जब भी दंगे हुए हैं उनमें रोहिंग्या मुसलमानों के होने का शक जताया गया है। सवाल है कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को कौन बसा रहा है, रोहिंग्याओं का आधार कार्ड कैसे बन जाता है, कैसे ये रोहिंग्या देश के नागरिक बन जाते हैं।